तो इंसानी कद के बराबर होते हैं कुमी मनु पेंगुइन। कुमी मनु विशाल काय पेंगुइन के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जो कि एक विलुप्त प्रजाति है। यह अपने फ्लिपर्स की नोक से लगभग 170 सेमी लंबे होते हैं। आपको बता दें कि करीबन 6 फीट लंबा और 200 पाउंड वजनी यह पेंगुइन का सबसे बड़ा ज्ञात उदाहरण है। वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड में इसके जीवाश्म पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि जीवाश्म से पता चलता है कि पृथ्वी पर यह लगभग 60 से 56 मिलियन वर्ष पहले रहता था। इसका मतलब है कि विशाल डायनासोर के विलुप्त होने के बाद ही ये प्रजातियां पैदा हुई थीं। बता दें कि शोधकर्ताओं ने इसका नाम माओरी भाषा से लिया है। कुमी मतलब दैत्य तथा मनु मतलब पक्षी होता है, यानी दैत्याकार पक्षी। वैज्ञानिकों को प्राप्त जीवाश्मों में इसके पंख, वक्ष तथा टांगों की हड्डियां शामिल है, जिससे ज्ञात होता है कि ये विशाल काय पक्षी प्रागैतिहासिक काल में पाए जाते थे। शोधकर्ताओं ने इनकी हड्डियों का पेंगुइन की अन्य प्रजातियों की हड्डियों से तुलना कर अध्ययन किया तो पाया गया कि डायनासोर युग के बाद में ये विशाल पेंगुइन भी धीरे धीरे विलुप्त होते गए थे। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि समुद्री जीव जैसे सील, व्हेल, शार्क, हिप्पोपोटामस आदि से संघर्ष ने इन पेंगुइन्स को मिटाने में अहम भूमिका निभाई होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पेंगुइन खुद को जलीय जीवन के लिए अनुकूल बना लेता है और इसके अविकसित पंख फ्लिपर बन गए हैं। बाहर की बजाय ये पानी में पेंगुइन बहुत ही फुर्तीले होते हैं और जमीन पर पेंगुइन अपना बैलेंस बनाने के लिए अपनी पूंछ तथा पंखों का उपयोग करते हैं।